हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल श्रीडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। हम लोग मार्केट से वो चीज़ें लेकर आते हैं, उसे हम घर पर ही बनाएँ और गेहूँ के आटे से बनाएँ, क्योंकि वो मैदे से बना होता है। हमें घर पर ही उसे बनाना चाहिए। गेहूँ के आटे से बनाएंगे तो और ज़्यादा हेल्दी भी होगा। इसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। उसके अलावा जब भी हमारा कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मन हो तो हम इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और जल्दी से बन भी जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पास जो भी आटा बचा हो, रात का हो, दिन का हो, कोई भी आटा हो, अक्सर करके हम रोटी बनाते हैं तो एक्स्ट्रा आटा हो जाता है, तो वो अगर बच जा रहा है तो उसे हम ले लें। और लेने के बाद से इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएं। तो हम बॉल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम रख देंगे गैस पर पानी गर्म होने के लिए। तो हमने पानी रख दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा जैसे कि उबाल आने तक हम इसका गरम होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो आटा है इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, और बॉल बना के हमको इसकी रोटियां बनानी है। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटियां बनाते हैं ना, जो खाने के लिए हम रोटियां बनाते हैं, वैसे ही हमको इसकी रोटियां बनानी है। तो उसके लिए हमें सूखा आटा लेना है, उसमें इस बॉल के पेड़े को इस तरीके से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद से बेलन की सहायता से गोल गोल इसकी रोटियां या फिर चौकोर के जैसे भी आप रोटियां बनाना चाहें बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सारी की सारी रोटियों को बेल लेना है, और इन रोटियों को बेलने के बाद से इसे हमें अपने मनपसंद आकार से रोल भी करना है। तो देखिए, इसको इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, तो मतलब एकदम नॉर्मल वाले थिकनेस होनी चाहिए। तो देखिए, हमारी सारी सारी रोटियाँ बेलकर रेडी हैं। उसके बाद से अब हम इन रोटियों को ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी मोड़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम फ्रेंकी रोल वगैरह बनाते हैं ना, वैसे हमको इसको इस तरीके से मोड़ देना है। ऐसे ही हमें अपनी जितनी रोटियां हैं उन सारी रोटियों को थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर ऐसे ही हमको इसको मोड़ते जाना है। ये सारी सारी रोटियां हमारी जब मुड़ कर रेडी हो जाएंगी तब हम इसको उबालेंगे। तो हम इन रोटियों को मोड़ ले रहे हैं। ये सारी रोटियां हमारी जैसे ही मुड़ जा रही हैं हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, सारी सारी रोटियां हमारी मुड़ कर रेडी हो चुकी हैं। हमारा जो पानी हमने रखा था खौलने के लिए वो भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा उबाल इसमें आने लगा है। अब हम इसमें इन जो रोटियों के जो हमारे जो हमने मोड़ कर तैयार किया था उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जितनी हमने रोटियों को मोड़ा था वो सारी सारी रोटियां हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी रोटियों को हमें ऐड कर देना है और इनको अच्छे से हमें पकने देना है, यानी कि इनमें अच्छे से उबाल आना चाहिए, अच्छे से इसको पक जाना चाहिए। लगभग इसको 5 से हम 6 मिनट टाइम देंगे। 5 से 6 मिनट जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके लिए कुछ सब्जियां कट कर ले रहे हैं। तो हमने 2 हरी मिर्च ले ली है, 1 प्याज ले लिया है, आप चाहे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे जो आप लोग चाउमीन या मैगी या पास्ता वगैरह हम डालते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इन सभी को हमें कट कर लेना है, हमें इस तरीके से इसको कट कर लेना है। अब हम देख लें हमारा जो रोटी है वो कैसा है। तो देखिए, हमारी रोटी भी अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से ऊपर से इसमें चिकनाहट आ चुकी है। ये कैसे पक गया है हमें कैसे मालूम चलेगा, जब इसमें ऊपर से इस चिकनाहट से दिखने लगे तो आप समझ जाओ कि ये पक चुका है। उसके बाद से हम कोई छलनी या बर्तन लेंगे। तो ये हमारी जो सब्जी रखने वाली जो छलनी होती है उसको हमने ले लिया है प्लास्टिक वाली, उसमें हम इसको छान लेंगे और ऊपर से हमको इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, क्योंकि ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। ठंडा पानी डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा इसको ठंडा होने में, और जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसे कट करना है। तो हम इंतज़ार करेंगे इसका ठंडा होने का, तो हम इसको एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमने जो सब्जियां काट करके रखी हैं उसको हम ये इस तरीके से तेल डालेंगे कढ़ाई में, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके बाद से इन सब्जियों को हम धीरे धीरे करके पकाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने कट किया था वो हम डालेंगे, इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से जो हमने प्याज कट के करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का मतलब ये है कि इसका थोड़ा सा हमें कलर चेंज करना है, यानी कि जैसे कि जो भी हमें चाउमीन को पास्ता वगैरह मिलता है ना कलर, बिल्कुल वही कलर हमको इसको लाना है,
यानी बहुत बहुत ज़्यादा इसको हमको ब्राउनिश नहीं करना है। उसके बाद हमें जो टमाटर कट करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा टमाटर को गलने देंगे। जब तक हमारा टमाटर गल रहा है तब तक ये रोटियां जो हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो इन रोटियों को हम अपने मनपसंद आकार में कट करेंगे, आप जैसा भी आपको पसंद हो वैसे ही आप इसे कट कर सकते हैं। तो हम इन रोटियों को इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो देखिए पास्ता का बिल्कुल रूप ले रहा है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पर ही ऐसे आराम से जब आपका मन हो तो आप इस पास्ता को बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात अपने बच्चों को दे सकते हैं, बेधड़क दे सकते हैं, अपने घर में किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैदा वगैरह नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपने घर वालों को हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिला रहे हैं। तो ये देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है मसाले। तो हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो भी आपके पास मसाला हो। तो मेरे पास चाउमिंग मसाला था वो मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें सोया सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा जो पास्ते वाला टेस्ट होता है ना वो लाने के लिए मैंने इसमें किया है। आप इसमें जो वो आता है चीज़, जो चीज़ आता है ना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप व्हाइट सॉस व्हाइट पास्ता बना सकते हैं, आप रेड सॉस पास्ता बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, और उसके बाद से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। उसके बाद से जो हमने रोटियां कट करके रखी हैं एंड जो हमने पास्ता अपना रेडी किया है होममेड, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद से हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से मिक्स करना है कि सब्जी और ये जो पास्ता है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको जब हम इसको डाल देंगे ना तो उसके बाद से हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस खाली मुश्किल से 3 से 4 मिनट हमको इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर रेडी होता है, सीरियसली बता रही हूँ। आप लोग एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा, और बच्चे भी आपकी से मांग कर खाएंगे, और वो कभी भी डिमांड नहीं करेंगे कि आप मार्केट से चाउमिन या पास्ता या फिर मैगी वगैरह मंगा ले आओ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ना चाउमिन और पास्ता से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे मैंने थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर दिया, मेरे घर में रखा था, मतलब थोड़ा सा रिच टेस्ट लाने के लिए, कुछ अलग सा टेस्ट लाने के लिए मैंने ऐड कर दिया। आप इसमें क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें हों आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से हम एक प्लेट ले रहे हैं, ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें इसको निकाल लेंगे। आप लोग भी अपने घर पर ही होम मेड हेल्दी जो पास्ता है इसको आप लोग बनाइए, खाइए, और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपके घर वालों को, ये ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा आपके बच्चों को ये कितना ज़्यादा पसंद आया, और आपको खास करके, क्योंकि देखो बड़े बच्चे तो खा भी लेंगे लेकिन बड़े ना आजकल बहुत ज़्यादा चूजी हो चुके हैं कि यार ये क्या टेस्ट है। लेकिन आप लोग एक बार प्लीज़ हमको एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि इसका टेस्ट वो जो मार्केट वाली चाउमिन आती है या पास्ता आता है उससे ज़्यादा अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हेल्दी होता है, मैदा बिल्कुल भी इसमें नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है। तो आप लोग अपने घर पर इसे बनाइए, खाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।